अपनी फैमिली को अच्छा फ्यूचर देने के लिए आदमी हमेशा पैसों के पीछे भागता रहता है, लेकिन अगर इस भागदौड़ में फैमिली बर्बाद हो जाए तो क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलीवुड ड्रामा थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है द नेस्ट, और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 6.3 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम रोरी नाम के बंदे को देखते हैं। वो बहुत सालों पहले इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका आया हुआ था। रोरी एक स्टॉक ब्रोकर है और वो अपने काम में बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी रिच था। आजकल उसके न्यूयॉर्क के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से शायद अब उसके पास पैसे आना बंद हो जाएंगे। वो इस वजह से थोड़ा टेंशन में था। इसके बाद उसने अपने इंग्लैंड के ऑफिस में कॉल लगाया और वो उसे जॉब देने के लिए और ऑफिस में वापस ज्वाइन करने के लिए रेडी थे। ये सारी बात वो फ़ोन कॉल पर करता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ को उठाता है। वाइफ के साथ उसके दो बच्चे भी हैं, एक बेटी और एक बेटा। इनकी फैमिली बहुत ही ब्यूटीफुल थी, सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था। रोरी अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है। इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं उसकी वाइफ एलिसन को हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है, जिसे लेकर वो हॉर्स राइडिंग टीचिंग का काम करती है। ये पूरी फैमिली एक दूसरे को बहुत सारा टाइम देती है। रोरी को अभी अभी अपॉर्चुनिटी आई तो इसलिए वो एलिसन से बात करता है। वो उसे कहता है, आजकल मेरे पास पैसे हैं लेकिन कुछ टाइम बाद ये पैसे आना बंद हो जाएंगे, मुझे फिर से इंग्लैंड जाना है। रोरी की मदर भी इंग्लैंड में ही थी। रोरी कहता है, मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर मैंने इसका सही से फ़ायदा उठाया तो पूरी लाइफ हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी बात सुनकर एलिसन भी इस सब के बारे में सोचने लग जाती है। इसके बारे में उसने अपनी मदर से बात की। उसकी मदर कहती है, बहुत सारे लोगों को कंट्री छोड़कर जाने का कभी भी चांस नहीं मिलता, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। वैसे भी वो सही कह रहा है, उसकी मदर वहाँ रहती है और शायद वो इस कंट्री में अकेला फील करता है। एलिसन को भी अपनी मदर को छोड़कर जाना थोड़ा बुरा लग रहा था। वो मजाक करती है और कहती है, मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था मैं तुम्हें भी मिस करूँगी। इसके बाद एलिसन और बच्चे इंग्लैंड आ गए। रोरी पहले से ही इंग्लैंड पहुंच गया था और उसने एक पैलेस जैसा घर रेंट कर लिया था। वो एक्साइटेड होकर सारा घर उन्हें दिखाता है। ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ा था, यही बात एलिसन उससे कहती है। रोरी कहता है, तुम्हें वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रा आगे तो देखो, यहाँ पर बड़ा सा ग्राउंड भी है, वहाँ पर तुम खुद की हॉर्स राइडिंग कर सकती हो, खुद की अकेडमी खोल सकती हो। इसके बाद अगले सीन में रोरी को हम उसके ऑफिस में देखते हैं। जिस तरीके से रोरी डायरेक्टली क्लाइंट से बात कर रहा था, ये उसके बॉस को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद वो उसे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में लेकर जाते हैं। इसमें रोरी कहता है, अमेरिका में हर लोग ऐसा मानते हैं तुम कुछ भी पा सकते हो और बड़े सपने देखते हैं, हमें इंग्लैंड में भी यही सपने लोगों को दिखाने हैं, इस कंट्री को हमें आगे लेकर जाना है। ये जो रोरी का माइंडसेट चेंज हो गया था, ये कंपनी को बहुत अच्छा लगा। फिर रात में सारी फैमिली मिलकर डिनर करती है। बच्चों को अपने स्कूल में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। रोरी अपने बेटे बेंजामिन से पूछता है, तुम्हें स्कूल कैसा लग रहा है। बेंजामिन कहता है, ठीक है, लेकिन रोरी कहता है, ये यहाँ का बेस्ट स्कूल है। रोरी इस बात पर बहुत ही प्राउड था। अगले दिन रोरी एलिसन के लिए पर्सनल हॉर्स बाय करके लेकर आता है। एलिसन बहुत खुश थी। इसके बाद ये दोनों गपागप करने लगते हैं। फिर आज रात ये दोनों पार्टी पर जाते हैं। पार्टी में रोरी जब भी किसी से बात करता है तो वो बहुत ही अमीर है, ये बात उसे जताने की आदत होती है। उसने न्यूयॉर्क में सब कुछ सेल कर दिया था, लेकिन फिर भी वो लोगों से कहता है, मैं न्यूयॉर्क में अपना पेंट हाउस हमेशा रखूंगा, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। ये सारी बातें एलिसन को अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करती है। पार्टी में रोरी के बॉस ने एलिसन से बात की। ये दोनों कपल्स के बारे में बात कर रहे थे। रोरी का बॉस कहता है, जब हम किसी से शादी करते हैं तो उनकी अच्छाइयों के साथ उनकी बुराइयां भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। एक ही पर्सन में हम सारी चीजें परफेक्ट नहीं पा सकते। आजकल के कपल सब कुछ एक साथ ही पाना चाहते हैं, इसी वजह से इनका डिवोर्स होता है। लेकिन एलिसन को लगता है, एक परफेक्ट पार्टनर डिजायर करना ये कोई गलत बात नहीं है। पार्टी से घर आने के बाद एलिसन रोरी से बात करती है। वो कहती है, यहाँ पर कितनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। एलिसन को लग रहा था इंग्लैंड बहुत ही प्रीटेंडियस है, अमेरिका में लोग इस तरह से नहीं करते। अगली सुबह एलिसन थोड़ा लेट उठती है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल भेजने में थोड़ा लेट हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं रोरी अपने बॉस के पास आया हुआ था। वो कहता है, मेरे पास बहुत ही बड़ी ऑफर है, न्यूयॉर्क की कंपनी से मैं बात कर रहा था, वो अपनी फर्म बाय करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अगर ये डील कंप्लीट हो गई तो
रोरी को इसमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उसे फिर से कभी भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और अपने बॉस को बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है। बॉस कहता है, क्या तुम यहाँ पर ये कंपनी सेल करने के लिए आए थे? रोरी कहता है, तुमने मुझे हायर क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हें प्रॉफिट कमा के दे सकूँ। अच्छा तरीका यही है, ये कंपनी सेल कर दो। बॉस को भी ये आइडिया अच्छा लगा था। रोरी मीटिंग वगैरह सेट करता है। आज रात रोरी ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर सेलिब्रेट किया। एलिसन की हॉर्स राइडिंग की जगह पर एक स्टेबल बन रहा था, लेकिन वो बनाने वाले वर्कर कुछ दिनों से काम पर नहीं आए। वो कॉल करती है और वर्कर कहते हैं, हमें कोई भी पैसा नहीं मिला। जो चेक रोरी ने दिया था वो बाउंस हो गया। एलिसन को ये बहुत ही अजीब लगा। इसके बाद वो जाकर बैंक का अकाउंट चेक करती है तो उसमें सिर्फ $600 थे। इसके बारे में उसने रोरी से बात की। रोरी कहता है, अभी अभी हमने वो हाउस रेंट किया है, इसके बाद बच्चों के स्कूल के लिए पे किया, एक हॉर्स बाय किया, इन सब चीज़ों में उसके पैसे चले गए। उसने एलिसन को टेंशन लेने से मना किया। उसने कहा, इस मंथ के एंड में मुझे बहुत बड़ा चेक मिलने वाला है, तुम किसी भी बात से वरी मत करो। वो रात में उसका मूड ठीक करने के लिए उसे डिनर के लिए बाहर लेकर गया। एलिसन कहती है, अगर सचमुच में तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आने वाले हैं तो मैं कुछ भी ऑर्डर कर सकती हूँ। उसने बहुत ही एक्सपेंसिव शैम्पेन ऑर्डर की। रोरी को हमेशा लगता है एलिसन को शैम्पेन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो कैसी भी हो वो पूरी बोतल बाय कर लेती है। अगले दिन रोरी ने एलिसन से कुछ पैसे मांगे। एलिसन ने पैसे छुपा कर रखे हुए थे तो रोरी को वो रूम से बाहर जाने के लिए कहती है। रोरी को इस बात पर गुस्सा आ गया। इसके बाद हम देखते हैं बाहर, जब वो हॉर्स राइडिंग कर रही थी तब उसका हॉर्स अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उसने फिर भी अपने हॉर्स को एग्जॉस्ट करवाया जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर में उसने रिस्पॉन्स देना भी बंद कर दिया। एलिसन डिस्टर्ब हो गई। वो भागते हुए जाकर पास के ही फार्म के फार्मर को लेकर आती है। फार्मर कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा बीमार है, इसे हमें मारना पड़ेगा, हॉर्स को ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए वो उसे शूट कर देता है। एलिसन बहुत रोती है। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं रोरी की कंपनी को सेल करने के लिए जो डील चल रही थी उसमें कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। इसके बारे में उसने जाकर अपने बॉस से बात की, तब बॉस कहता है, ये डील मैं नहीं करने वाला। बॉस ने अपनी कंपनी जिस तरीके से क्रिएट की थी इसकी लेगेसी को वो न्यू कंपनी पूरी तरीके से मिटा देगी, ये बात उसे अच्छी नहीं लगती, ये सब उसे नहीं चाहिए था। इस बात पर रोरी बुरी तरह गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? बॉस कहता है, तुम सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हो, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम्हें प्रॉफिट कैसे कमाना है ये पता है, तुम्हें इस तरीके से एक जगह पर स्टेबल रहना भी सीखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं एलिसन ने जब अपने बेटे को बताया उसके हॉर्स की डेथ हो चुकी है तो उसे वो बहुत ही सपोर्ट करते हैं। उन्होंने हॉर्स को एक प्रॉपर मेमोरियल दिया। आज रात रोरी घर पर नहीं आया था। अगले दिन एलिसन अपने हॉर्स को वरी कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं रोरी अपनी मदर के पास आया था। बहुत साल हो चुके थे लेकिन रोरी ने अपनी मदर से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखा था। उसकी मदर को ये भी पता नहीं था कि उसने शादी की है, उसके बच्चे भी हैं। फिर वो अपनी फैमिली की फ़ोटो दिखाता है। वो अपनी मदर से कह रहा था, तुम अगर चाहो तो हमारे साथ आकर रह सकती हो। उसकी मदर कहती है, मुझे अब तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो डायरेक्टली उसके साथ आकर नहीं रह सकती, वो फिर भी इसके बारे में सोचने वाली है। रोरी अपनी मदर पर ज़रा गुस्सा हो गया था क्योंकि वो अपनी लाइफ में अपनी मदर को इन्वाइट कर रहा था, लेकिन इतने सालों बाद कोई भी कांटेक्ट ना रखे हुए वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। घर वापस आने के बाद एलिसन रोरी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। उसने फ़ोन का बिल भी पे नहीं किया था जिस वजह से सब लोगों के साथ उनका कनेक्शन टूट चुका था। एलिसन अपने हॉर्स के बारे में उसे बताती है तो रोरी कहता है, शायद उस आदमी ने मुझे फॉल्टी हॉर्स दिया। वो एलिसन को सिंपैथी देने के बावजूद उस आदमी पर ही गुस्सा हो गया। एलिसन ने ऑलरेडी उस हॉर्स को वरी कर दिया था तो इस बात पर भी रोरी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, मैं उस पर टेस्ट कर सकता था, जिस आदमी ने मुझे फंसाया मैं उस पर केस कर सकता था। ये हॉर्स $5,000 का था। रोरी को सिर्फ पैसों की पड़ी थी तो इस बात पर उसका झगड़ा एलिसन के साथ हो जाता है। एलिसन कहती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम एक बहुत ही प्योर लड़के थे और अब तुम रिच होने का सिर्फ प्रिटेंड करते हो। रोरी कहता है, हाँ मैं वैसा ही हूँ, ये जो सारी चीज मेरे पास है मैं इन पर बहुत ही ज्यादा प्राउड हूँ, ये सब कुछ मैं डिजर्व करता हूँ। मुझसे मिलने के बाद तुम्हारी कोई भी औकात नहीं थी, तुम अपनी डॉटर के साथ एक सड़े हुए अपार्टमेंट में रह रही थी। इसका मतलब है एलिसन की डॉटर रोरी की स्टेप डॉटर थी, बेंजामिन उसका एक्चुअल बेटा था। एलिसन बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई। वो उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। अगले दिन रोरी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक अच्छी डील पर काम करना स्टार्ट कर देता है। आजकल एलिसन के पास भी पैसे नहीं थे तो पास के ही फार्म में वो कुछ काम करने लगती है। फिर उसे बेंजामिन के स्कूल से कॉल आया। वहाँ पर उसे पता चलता है बेंजामिन ने किसी को मारा था। वो जब उसे लेने के लिए जाती है तो बेंजामिन रोने लगता है। वो कहता है,
जो बड़े बच्चे बुली कर रहे थे। एलिसन कहती है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा था तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। बेंजामिन कहता है, मुझे पता है तुम्हारे और डैड के बीच में झगड़ा चल रहा है, मैं तुम्हें और टेंशन नहीं देना चाहता था। एलिसन उसे गले लगा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं घर पर एलिसन की बेटी अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ थी। ये बात एलिसन को अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसकी बेटी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। इसके बाद आज रात रोरी अपने क्लाइंट के साथ डिनर के लिए एलिसन को भी लेकर जाता है। इस डिनर पर भी वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो बहुत ही रिच है, वो एक प्ले के बारे में बता रहा था। एलिसन इन सारी चीज़ों से तंग आ चुकी थी और इस बात पर वो हंस देती है। वो कहती है, मेरे हस्बैंड ने कभी भी थिएटर में पैर भी नहीं रखा, और गुस्से में वो यहाँ से चली जाती है। रोरी भी उसके पीछे आता है, लेकिन एलिसन उससे नहीं मिलती और उसका क्लाइंट अब उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। उसका फ्रेंड उसे समझाता है, वो लोग सिर्फ मेरे साथ ही काम करना चाहते हैं। इस बात पर रोरी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। एलिसन गाड़ी लेकर जा चुकी थी और रोरी को एक कैब लेनी पड़ती है। कैब ड्राइवर उससे पूछता है, तुम काम क्या करते हो। रोरी कहता है, मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं बहुत ही रिच हूँ। कैब ड्राइवर कहता है, तुम ऐसा क्यों करते हो। रूरी कहता है, मुझे पता नहीं, पर एक बार मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, $1 million। मुझे लगा ऐसे ही पैसे मेरे पास आते रहेंगे, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ड्राइवर कहता है, क्या तुम्हारे बच्चे हैं। रूरी कहता है, हाँ दो बच्चे हैं। तब ड्राइवर ने कहा, तुम्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ खोने के बाद भी तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इस दुनिया में आए हैं तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। वो पूछता है, क्या तुम एक अच्छे फादर हो। रूरी कहता है, मैं बिल्कुल एक अच्छा फादर हूँ, मैं कभी भी उन पर हाथ नहीं उठाता, उन्हें जो भी चाहिए सारी चीज़ें ला कर देता हूँ। ड्राइवर कहता है, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही बेसिक हैं, ये सब करने से तुम अच्छे फादर नहीं बनते, तुम्हें अब अपनी लाइफ को सही से ट्रैक पर लाना पड़ेगा। एक जॉब ले लो, थोड़े से पैसों के लिए तुम काम कर सकते हो, पर फिर भी अपनी फैमिली को तुम खो नहीं सकते। तुम्हें एक्चुअली क्या चाहिए ये तुम्हें पता होना चाहिए। रोरी को सही में उसको क्या चाहिए था उसे कोई भी आइडिया नहीं था। ड्राइवर ने अपनी कार रोक दी और वो कहता है, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। उसे पता था रोरी के पास कोई भी पैसे नहीं है। रोरी कहता है, घर के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन ड्राइवर ने उसकी बात नहीं मानी। रोरी को ऐसे ही चलते हुए घर पर जाना पड़ता है। इसी के दूसरी तरफ हम देखते हैं, इनकी बेटी ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर घर पर एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी में बेंजामिन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से वो एक कोने में जाकर बैठा हुआ था। एलिसन ने सुबह जब घर को देखा, ये पार्टी की वजह से बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। वो जाकर फिर बेंजामिन को ढूंढती है, वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, उसने उसे सहारा दिया। इसके बाद हम देखते हैं, बाहर एलिसन ने अपने हॉर्स को वरी किया था तो उस पर ऊपर की मिट्टी बाजू हो जाती है। यहाँ पर वो बहुत ही डिस्टर्ब हुई और वहीं पर वो रोती है। ये देखकर उसकी बेटी भी उसे सहारा देती है। फिर वो बेंजामिन को घर पर लेकर आई, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। कुछ देर बाद रूरी भी चलता हुआ घर पर पहुंच जाता है। सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रूरी कहता है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके पास जो फैमिली है वो इसे खोना नहीं चाहता, लेकिन अभी भी वो पैसों के बारे में बात कर रहा था कि मैं ऐसा करूंगा और हम यहाँ पर जाएंगे, मैं अपनी खुद की कंपनी खोलूंगा। ये सारी बातें सुनकर एलिसन उसके पास जाती है, उसे चेयर पर बिठाती है और कहती है, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो, अगर ये फैमिली की तरह चीज़ों को ट्रीट करेंगे तो सब कुछ परफेक्ट होगा। रूरी जो ये सब कुछ ट्राई कर रहा था तो उसने भी फैमिली की कीमत अब जान ली है, वो किसी भी हालत में अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता। एलिसन ने जिस तरीके से उसे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया, उसे सहारा दिया, अब उसने भी उसे माफ कर दिया है। उसकी बेटी भी उसे हक करती है। ऐसे ही ये फैमिली हमेशा एक दूसरे को सहारा देकर सपोर्ट करती रहेगी। इसी के साथ पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट करते हुए इस ब्यूटीफुल सीन पर मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।